the structural and the functional unit of myofibril which contracts to cause the movement is called sarcomere. यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वो है सार्कोमियर। इसके लिए मैं डायग्राम फिर से आपको बना के दिखा दूंगी। फैसिया की अगर हम बात करते हैं तो जो फैसिया है वो तो कनेक्टिव टिश्यू है कोलेजिनस फाइबर से बना हुआ। दो मसल फाइबर या मसल बंडल के बीच में या मसल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको फैसिया कहते हैं। तो फैसिया इज नथिंग बट इट इज द कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस इज नॉट द आंसर। सार्कोलीमा इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। इट इज नॉट द आंसर। मायोसिन इज अ मायोफिलामेंट। इट फॉर्म्स द डार्क बैंड। एनसीईआरटी में लिखा है मायोसिन फॉर्म्स डार्क एंड आइसोट्रोपिक बैंड। तो दिस इज नॉट द आंसर। तो आंसर क्या होगा? सार्कोमियर विल बी द आंसर। सार्कोमियर एक बार फिर से बना के दिखा देते हैं आपको। दिस इज मायोसिन, दिस इज अगेन मायोसिन, दिस इज अगेन मायोसिन, here also myosin and myosin, it is like this. और फिर एक्टिन बनाना है। अब हमें एक्टिन कैसे बनाएंगे? इस तरह से। दिस इज एक्टिन। और एक्टिन को जो बाइसेक्ट करेगा वो है जेड लाइन, इधर से भी ये जेड लाइन। दिस इज जेड लाइन वन, दिस इज जेड लाइन टू, दिस इज ए बैंड। यहां से लेकर यहां तक आई बैंड, ए बैंड ये वाला आई बैंड ओनली एक्टिन होगा उसमें। ये वाला रीजन जहां पर एक्टिन दोनों की मायोसिन के ऊपर एक्टिन प्रेजेंट नहीं है वो कहलाएगा एच जोन। और इनके सेंटर से पास होगी, क्या पास होगी इनके सेंटर से? एम लाइन। दिस इज एम लाइन। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बना हुआ है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर दो जेड डिस्क के बीच में जो गैप होता है उसको सार्कोमियर कहते हैं। एंड सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल फॉर्म्स मसल फाइबर, मसल फाइबर फॉर्म्स मसल बंडल, एंड मसल बंडल फॉर्म्स मसल। इट इज लाइक दिस। So it will be clear to you. Next.